नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीडी कॉमर्स। और मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी जो मेरे फ्रेंड हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि जो हम पीडीएफ सेंड करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर जीमेल पर, तो हमको कैसे पता लगेगा कि जो हमारी पीडीएफ है वो सेंड हो चुकी है या नहीं हुई है। तो ये डाउट जो है आपका मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो जो है आपके लिए बनाकर लेकर आऊं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीडी कॉमर्स। और काफ़ी बच्चों के जो मेरे पे कमेंट आ रहे थे कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारी पीडीएफ है वो सेंड हो चुकी है या नहीं, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास जा चुकी है या नहीं, तो मैं ये डाउट आपका क्लियर जो है करने आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे आप यहाँ पर अपनी जो है पीडीएफ सेंड करते हो, यहाँ पर आपको पता ही है जो मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि यहाँ पर आपको क्या डिटेल लिखनी है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको अपना जो है सब्जेक्ट का नाम लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपका हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है रोल नंबर लिखना है, जो आपका रोल नंबर है, और उसके बाद ब्रैकेट में आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का कोड लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट का कोड होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, ये डिटेल आपको फिल करनी है, तभी आपका जो रिकॉर्ड है वो सही से मैनेज हो पाएगा। तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी आगे रिजल्ट में, आपका जो आंसर शीट है वो चेक होने में। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, और उसके बाद अपना यहाँ पर रोल नंबर जो भी आपका है, ठीक है, ये रोल नंबर, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फिर से जो है अपना सब्जेक्ट का कोड जो है वो डालना है। ये इसलिए डालना है ताकि आपको जो आपका एग्ज़ाम चेक करेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम आपका रिकॉर्ड रखने में, तो उसको सही से पता लग जाएगा एकदम से कि ये सब्जेक्ट है, ये उसका रोल नंबर है, ये कोड था, ये नाम है उसका, ये फादर नेम है। तो सब्जेक्ट तो आपका रिजल्ट तैयार करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और उसके बाद आपको पता ही अटैच यहाँ से करते हैं फाइल, तो हम एक अटैच करके दिखा देते हैं आपको। लीजिए, मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ जो है अटैच कर दी है, और यहीं पर आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी पीडीएफ है वो कितने एमबी की है। ये देखिए 3.7 एमबी की है। अगर आपकी जो पीडीएफ है ज़्यादा एमबी की है, 10 से ज़्यादा की है, तो वो सेंड होने में ज़्यादा देर लगेगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप 10 एमबी तक की जो है अपनी पीडीएफ रखिए, तो वो आसानी से जो है शेयर हो जाएगी। तो हमने ये अटैच कर दी है, उसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको शेयर कर देनी है, और शेयर करते ही आपके जो नोटिफिकेशन आते हैं ऊपर, वहाँ पर एक लाइनिंग चलती रहेगी, जो सेंडिंग की लाइन होती है वो चलती रहेगी। अगर वो चल रही है तो समझ लीजिए आपकी जो पीडीएफ है वो अभी शेयर हो रही है, अगर वो हट जाती है तो समझ लीजिए जो आपकी पीडीएफ है वो शेयर हो चुकी है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो हमने जो पीडीएफ शेयर की है, अभी जो है मेरे मोबाइल का नेटवर्क फास्ट है इसलिए वो सेंडिंग लाइन आपको नहीं दिख रही है, तो आपके मोबाइल पर ज़रूर दिखेगी जब आप उसको शेयर करोगे। उसके बाद आपको कहाँ आना है, अपने जो सेंड बॉक्स है उसमें आ जाना है, और यहाँ पर देख लीजिए हमने इस बंदे को जो है शेयर की है अपनी पीडीएफ, तो ये शेयर हो चुकी है आपके। अगर सेंड बॉक्स में आ जाती है तो समझ लीजिए आपकी जो पीडीएफ है वो शेयर हो चुकी है। उसके बाद ये देखिए मैंने इस बंदे पर वो भेजी थी, तो देख लीजिए आप लाइव प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पर इस पर जो है वो शेयर हो चुकी है, आ चुकी है इस पर। तो ये देख लीजिए लाइव प्रूफ है कि आपकी जो पीडीएफ है वो शेयर हो चुकी है। अगर आपके सेंड बॉक्स में आ जाती है तो समझ लीजिए आपकी पीडीएफ है जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये थी आपके लिए अपडेट, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे कमेंट करके। और ये देख लीजिए जो हमने इन्फॉर्मेशन सबमिट की थी वो देख लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर, तो ऐसे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले बंदे को नज़र आएगी जिस पर आप पीडीएफ सेंड करोगे यूनिवर्सिटी प्रशासन पर। तो ऐसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से वो रिजल्ट तैयार करने में मदद करेगी। यहाँ पर आपका नाम देख लीजिए, फादर नेम ऐसे आएगा। तो ये थी आपके लिए अपडेट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन थे कि हमारी पीडीएफ कैसे जाएगी, पहुँच गई है या नहीं। तो आपकी मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया आपको, तो आपकी पीडीएफ जा चुकी होगी ऐसे आपके अगर सेंड बॉक्स में आ जाता है ऑप्शन। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है बनाकर लेकर आता हूं। और जो भी नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहां पर मिलती रहेगी, जो भी अपडेट होगी आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।